कोई रिश्ता आपके लिए सही है या गलत है या आपको तब तक पता नहीं चलता जब तक कि आप उस रिश्ते में आ नहीं जाते, और कुछ वर्षों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद या कुछ दिनों के बाद आपको यह महसूस होता है कि यह वो तो है ही नहीं जिसकी आपको ज़रूरत थी, तो तब आप सोचते हैं कि क्यों ना हमें अलग हो जाना चाहिए। तो अलग होने के भी बहुत सारे तरीके हैं। तो सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ काम की बात। मैं हूं डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काम की बात बाय डॉक्टर कौशलेंद्र दुबे। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे काम की बात सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वैसे यह विषय मेरे दिल के करीब नहीं है क्योंकि मैं कभी भी किसी को अलग होने की सलाह नहीं देता, क्योंकि कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आगे नहीं जा सकता। पर कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम उस रिश्ते को अकेले ही खींच रहे हैं, दूसरा साथी उसमें बिल्कुल भी अपनी मदद नहीं कर रहा है। और मैं यह कहता हूं कई बार कि चीज़ों को लगातार घसीटते रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि चीज़ें घसीटते रहने से और ख़राब हो जाती हैं। तो मैं अक्सर कहता हूं कि जब अलग ही होना है तो क्यों ना सम्मानजनक तरीके से अलग हुआ जाए। कई बार हम परिस्थितियां बेहतर करने का प्रयास करते हैं पर परिस्थितियां बेहतर नहीं हो रही होती है तो फिर समझ लेना चाहिए, हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है और हमें उस आवाज़ को सुन लेना चाहिए, उसे अनसुना नहीं करना चाहिए और अपना बोरिया बिस्तर उस रिश्ते से बांध लेना चाहिए। मैंने आज तक ऐसा कोई तलाक या डाइवोर्स नहीं देखा जिसमें एक पक्ष जिम्मेदार हो। हमेशा चीज़ों को तितर बितर करने के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। कई बार जो चीज़ें हैं वो यह अलग हो जाती हैं कि हमने एक अच्छे साथी का चुनाव किया ही नहीं था। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद को ही अच्छा मान रहे होते हैं और दूसरे को बुरा इसलिए मान रहे होते हैं क्योंकि उस जीवन साथी का या उस साथी की जो आदतें हैं वो आपकी आदतों से मेल नहीं खाती। किसी की जीवन की प्रायोरिटी संबंध और परिवार होता है तो किसी के जीवन की प्रायोरिटी अपना करियर होता है, किसी के जीवन की प्रायोरिटी सुकून शांति और प्रेम होता है तो किसी के जीवन की प्रायोरिटी कुछ अचीव करना होता है। ऐसे में ज़रूरी नहीं कि जो आपकी प्रायोरिटी हो वह भी आपके साथी की प्रायोरिटी हो, तो ऐसे समय में भी कई बार आपको अलगाव की स्थिति से दो चार होना पड़ता है। कई लोग रिश्तों से निकलने के लिए विस्फोटक तरीकों का प्रयोग करते हैं, उन्हें लगता है कि इसी सही तरीके से अब वो इस रिश्ते से निकल सकते हैं। तो इससे पहले कि आपका रिश्ता विस्फोटक हो आप सम्मानजनक तरीके से उस रिश्ते को छोड़ दीजिए। कई चीजें मुश्किल होती है पर वो आपको करनी होती है, और कितनी भी परिस्थिति बुरी हो जाए कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम नहीं करेंगे। हम अपने अलगाव वाले साथी से प्रतिशोध नहीं लेंगे, हम अपने अलगाव वाले साथी से आग बबूला नहीं होंगे, हम सोच समझ करके निर्णय लेंगे, हम जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेंगे, किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे और कभी आक्रामक नहीं होंगे। ध्यान रखिए, जो गड़बड़ हुई है उनसे सीखें और अतीत को भुला दें। मैं ऐसे कई पेयर्स को जानता हूं जो अलगाव की प्रक्रिया से गुजरे और उसके बाद वो एक दूसरे को कभी भी माफ नहीं कर पाए। मतलब वो यह मानते रहे कि वो निर्दोष थे और दूसरा ही व्यक्ति दोषी था जिसकी सजा उन्हें भुगतनी पड़ी। लेकिन ऐसा करके वो क्या कर रहे हैं? ऐसा करके वो खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप जान लीजिए कि आपका अलगाव हो चुका है, आपको अलग होना है और अब आपको उसे भूलना होगा। अलग हुआ साथी क्या सोच रहा है या आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो इससे रिश्ते पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता। अगर आपने अलगाव की सोच ही ली है तो फिर आपको उससे जुड़ी हुई हर चीज को भूलना होगा। तलाक और अलगाव की प्रक्रिया का सबसे मुख्य नियम, बच्चों को अपने इस युद्ध से दूर रखें, बच्चों को हथियार ना बनाएं, एक दूसरे पर हथियार की तरह प्रयोग ना करें और बच्चों की नाजुकता का फ़ायदा खुद के फायदे के लिए ना उठाएं। ध्यान रखिए, आपके इस अलगाव के लिए आप दोनों दोषी हो, इसलिए अपने दोष की सज़ा उन लोगों को ना दें जो कि इस अलगाव के लिए दोषी हैं ही नहीं। आपके बच्चे निर्दोष हैं, उनका आपके अलगाव में कोई हाथ नहीं। मैं किसी भी तरह से इस बात को तर्कसंगत नहीं मान सकता कि आप अपने इस दुखद निर्णय में बच्चों को शामिल करें। जब बच्चों वाले माता पिता अलगाव की प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं तो बच्चे ऑलरेडी पहले से ही सदमे में होते हैं, उनके सदमे को और मत बढ़ाइए। ध्यान रखिए, बच्चे उम्र में छोटे जरूर होते हैं पर वो मूर्ख नहीं होते, वो सब समझ रहे होते हैं, गलती किसकी है वो देख रहे होते हैं और वो जानते हैं कि आप दोनों ही गलत हो। पर यह भी सच है कि आप ही उनके पहले और आखिरी मम्मी डैडी हो, क्योंकि अलगाव के बाद हो सकता है कि आप एक दूसरा पति चुन लें, हो सकता है कि आप एक दूसरी पत्नी चुन लें, लेकिन वो दूसरे माता पिता कहाँ से लाएंगे। बच्चे किसी भी माता पिता के लिए सबसे पहली प्राथमिकता में आते हैं। जी हाँ, आपके अलगाव से भी पहले की प्राथमिकता, तो अपने अलगाव में उन बच्चों का ध्यान रखें। तो उम्मीद करता हूँ आज के काम की बात आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको कोई और सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपने सवालों को पूछिए, जिनके जवाब देने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा। अगर अब तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे काम की बात सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नए वीडियो नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से हाजिर रहूँगा, तब तक के लिए जाना चाहूँगा। जय हिंद।